बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्लीव्स की डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नीट। ठीक है, ये आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने सूट की, मतलब जो भी आपकी स्लीव है, जो भी आपका ड्रेस, उसके अकॉर्डिंग आपने कलर चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, डिज़ाइन के लिए हमें दो कलर की नीड है। अब इसकी जो ट्राउज़र है वो ब्लू कलर है। ठीक है, तो ब्लू कलर की मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, मैं करूँगी दूसरे कलर्स की। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो स्लीव है उसमें ये तीन कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक मैरून है, एक ग्रे है और साथ में एक मस्टर्ड येलो कलर है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया है मैरून और ग्रे कलर। मैं मैरून और ग्रे कलर से डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। मेरे पास कुछ फैब्रिक था मैरून और ग्रे कलर का, जिसमें से मैंने इस तरह की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। इसी तरह से मैरून की कुछ स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, कुछ मैंने ग्रे की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। ठीक है, ग्रे वाली स्ट्रिप जो है उसकी चौड़ाई भी 1 इंच है। दोनों स्ट्रिप्स की चौड़ाई 1 इंच रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स बना लेनी है। किस तरह से, थोड़ा सा हमें यू फोल्ड करना है, थोड़ा सा हमें इस तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, और फिर हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये स्ट्रिप बन गई और इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इन तमाम स्ट्रिप्स की हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। उससे पहले आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स इस तरह से बना चुकी हूँ। स्ट्रिप्स आप देख लें, बिल्कुल बारीक बनाई हुई हैं। ठीक है, मैंने ये ग्रे कलर की स्ट्रिप्स भी बना ली हमने और मैरून भी बना ली है, बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली हैं। ठीक है, ये सारी स्ट्रिप्स हमारी बन गई। अच्छा जी, ये स्ट्रिप्स बनाने के बाद आपको 4 इंच की लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ठीक है जी, 4 इंच तक की स्ट्रिप्स आपको कट कर लेनी है। ठीक है, इतनी इतनी स्ट्रिप्स आपने कट कर लेनी है। मैं तमाम स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में हमें क्या। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह की कुछ स्ट्रिप्स मैं कट कर चुकी हूँ। सारी स्ट्रिप्स की साइज़ जो है वो 4 इंचेस है। ठीक है, और छोटी बड़ी नहीं करनी है आपने, ग्रे भी उतनी ही कट करनी है और मैरून कलर की भी। ठीक है, जो भी कलर आपके ड्रेस में हो आपने वो दो ही कलर सेलेक्ट करने हैं। इसके साथ ही साथ एक मैंने ब्लू कलर की इस तरह की पट्टी जो है ना कट कर ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से वी बनाना है। ठीक है, इस तरीके से वी बनाते हुए आपने स्ट्रिप्स को रख के और स्टिच करते हुए जाना है दोनों को। एक आपने ग्रे रखनी है, एक आपने मैरून रखनी है। ठीक है, दोनों को इस तरह से वी की फॉर्म में रखते हुए और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ये ग्रे ख़त्म हुई, इसी के ऊपर आपने मैरून इसके ऊपर चढ़ा देनी है और इस तरह से आपने स्टिच करनी है। ठीक है जी, ये जी कुछ इस तरीके से मैंने इस पे स्ट्रिप्स लगा दी हैं। ठीक है, और अब जी मैं इस पे लगाऊंगी पट्टी। ठीक है, ये जो पट्टी हमने कट की है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो वाइट एरिया है ना, ये जो वाइट कपड़ा हमने छोड़ा है, ये हमें पूरा अंदर कर देना है पट्टी के साथ ही। अच्छा, ये स्लीव जो है वो हमारी सीधी थी। ठीक है, सीधी साइड पर हमने रख के लगाई है, और अब ये पट्टी जो है इसका फैब्रिक हम उल्टा रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है जी, जी दोस्तों, तो यहाँ पे जी एक स्टिच मैं लगा चुकी हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं पूरा वाइट एरिया मैंने कवर कर लिया। अब हम इसको पलट लेंगे। जी दोस्तों, तो इसको इस तरीके से मैंने पलट लिया है। ठीक है, और अब क्या करना है हमें, ये जो साइड है ना इसका थोड़ा सा यूँ फोल्ड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा वार के और स्टिच कर लेना है। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा अंदर कपड़ा ले लिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ठीक है जी, ये जी इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है पट्टी को भी। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको आयरन कर लेना है। और जी, ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन है, और कोई ज़्यादा इतनी ख़ास मेहनत नहीं है। बस आपने स्ट्रिप्स बनानी है और आपने फैशन पट्टी के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों की हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारे ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।